अलमकुम ग गाइज़ गाइज़ आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया आऊँ वो है एक्टिव मोनीटरिंग एंड रीएक्टिव मोनीटरिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर या इवन किसी भी पोस्ट पे हैं अगर आप या इन फ्यूचर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए उन उन्हीं में एक एक्टिव मोनीटरिंग एंड रीएक्टिव मोनीटरिंग है ये है क्या चीज़ आप कहीं पर भी जब भी इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तब भी आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि वाट इज एक्टिव मोनीटरिंग और वॉट इज री एक्टिव मोनिटरिंग तो उसी से रिलेटेड में आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा एक्टिव मोनीटरिंग कहते हैं एक्टिव इसको प्रोएक्टिव भी कहते हैं प्रोएक्टिव ये क्या है ये प्रोएक्टिव एक सिस्टम है टेक्निक है या अप्रोच है जो हम अपनी वर्क प्लेस को अपने इन्वायरमेंट को अपने लोगों को जो वर्क फोर्स वहाँ पर काम कर रही है उसको सेफ रख सकते हैं कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होने से पहले कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होने से पहले जो हम कंट्रोल में लेते हैं या जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो सारी एक्टिव या प्रोएक्टिव अप्रोच में या मॉनिटरिंग में आती हैं तो हमने क्या क्या मॉनिटर करना है कि ताकि हमें पता चल सके कि हमारी साइट जो है वो सेफ है उधर एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं तो वही कुछ चीज़ें मैंने राइट डाउन की हैं क्योंकि साथ लिखता हूँ तो वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि छोटी से छोटी वीडियो में आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉमेशन पहुंचाऊं। तो उसी से रिलेटेड में सबसे पहले एक्टिव और प्रो एक्टिव मोनीटरिंग पर डिस्कस करते हैं तो हमने क्या करना है हम कैसे कौन कौन सी चीज़ें मेक श्योर sure कर सकते हैं ता कि ताकि हमारी वर्क प्लेस पर कोई भी एक्सीडेंट इंसीडेंट ना हो सबसे पहले क्या है हम रेगुलर इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन पे मैंने एक वीडियो अपनी बनाई थी वो अगर आप गो थ्रू करेंगे मेरा चैनल चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी इंस्पेक्शन हमने करनी है फुली इंस्पेक्शन अपनी वर्क प्लेस की वहाँ पे इंस्पेक्शन में फोर पीस मैंने आपको बताए थे फोर पीस में एक आ जाता है पीपल प्लांट प्लांट मीन इक्विपमेंट कोई भी है सेकेंड प्रिम्स प्रिम्स मीन अपना जो साइट है या वर्क एरिया है एंड इसके बाद क्या आ जाता है प्रोसीजर प्रोसीजर मीन जो हमारी वर्किंग मेथड है ये वो सारी चीज़ें जो पॉलिसी या प्रोसीजर है जितना भी है वो सारा हम उसको भी इंस्पेक्ट करते हैं कि वो अप टू डेट है या नहीं है तो उसके बाद हम ऑडिट भी करते हैं कि जो चीज़ें हम वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं चाहे वो लीगल कंप्लाइंस हैं या आ, कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज़ हैं तो हम उनका ऑडिट भी करते हैं रेगुलरली ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो वर्क प्लेस पर जो हमने रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं तो ये चीज़ें प्रोएक्टिव में आती हैं हमने ये चीज़ें जब हम करेंगे तो हमें मेक श्योर sure हो जाएगा कि हमारी वर्कसाइट वर्क प्लेस जो है वो सेफ है उसके बाद आ जाता है इफेक्टिव ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग सबसे पहले इंस्पेक्शन एंड ऑडिट का मैंने आपको बता दिया है उसके बाद हम क्या चेक करेंगे ट्रेनिंग जो हम अपनी वर्क फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितनी इफेक्टिवनेस है कितने लोग उसको पॉजिटिव ले रहे हैं ताकि जो है उन पर जो वर्क फोर्स है उस पर इम्पैक्ट पड़े हमारी ट्रेनिंग का हमारी जो हम उन तक बात पहुँचा रहे हैं चाहे टी बी टी है चाहे सेफ्टी मीटिंग है किसी भी तरह से हम उनको एक पॉजिटिव कल्चर दें या कल उनको प्रमोट करें कि वो पॉजिटिव कल्चर आ, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में प्रमोट करें तो हम ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि किसी भी कंपनी की जो ट्रेनिंग है वो कैसी है इसके बाद हम क्या कर, चेक करते हैं बिहेवियर बेस्ड एच एस सी ऑब्जर्वेशन एच एस सी ऑब्जर्वेशन डेली बेसिस पे जो हम साइट पे अनसेफ एक्ट देखते हैं अनसेफ एक्ट हो गए अनसेफ एक्ट हो गए या अनसेफ कंडीशंस इनको ऑब्जर्व करना है हमने कि अनसफैक्ट कौन कौन से हैं अनसब कंडीशन कौन कौन सी हैं uh, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है तो हमने ये भी मेक श्योर sure करना है कि जो हमारी वर्क फोर्स है उसका बिहेव कैसा है वो अनसफेक्ट तो नहीं कर रही अनसब कंडीशन क्रिएट तो नहीं कर रही जिस जो कि एक्सीडेंट इंसीडेंट होने का सब बनते हैं और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो हमारी वर्क प्लेस पर एटी एट परसेंट जो एक्सीडेंट होते हैं वो इन चीज़ों की वजह से होते हैं अनसफेक्ट और अनसब कंडीशन की वजह से उसके बाद क्या जाता है सेफ्टी सैम्पलिंग सेफ्टी सैम्पलिंग मीन्स Uh, क्या है कि अगर आप कोई भी एरिया कोई भी uh, जोन लेते हैं अपनी वर्क प्लेस का कोई एक, एक एरिया उसको प्रॉपरली आप इंस्पेक्ट करते हैं उसमें uh, डिफरेंट सिप्लिन लेते हैं लेट्स सपोज आपकी वर्कसाइट पे डस्ट ज़्यादा है डस्ट अगर ज़्यादा जनरेट हो रही है वहाँ पे तो आप क्या करेंगे एयर मोनिटरिंग करेंगे या एयर uh, जो वहाँ पर है उसको प्रॉपर सैंपल कलेक्ट करके उसका एक अलग से प्रोसीजर है वो आप इंस्पेक्ट करेंगे कि हमारे वर्क फोर्स जो है वो किस वजह से ज़्यादा एक्सपायर हो रही है किस वजह से एक्सपायर हो रहा है उसका क्या साइड इफेक्ट है टाइम मिटेड एवरेज क्या है ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद इसमें आ जाता है सॉइल टाइप्स जो हमारी वर्क वर्कसाइट पे अगर एक्सपिशन हो रही है या कोई भी चीज़ हो रही है तो हमने सॉइल की कैटेगरीज या सॉइल की टाइप्स भी चेक करनी है फिर नॉइज़ हो गया नॉइज मेजरमेंट्स गैस टेस्टिंग वगैरह ये सारी कुछ हम सैंपल लेते हैं फिर सेफ्टी टूर्स भी हम अक्सर करते हैं वर्कसाइट पे जो मैनेजमेंट है लाइन मैनेजर हो गए सेफ्टी ऑफिसर हो गए सेफ्टी मैनेजर हो गए सेफ्टी सुपरवाइजर हो गए जो मैनेजमेंट है उसके साथ सेफ्टी टूअर करते हैं ताकि हमारी वर्क फोर्स जो है उसको पॉजिटिव कल्चर प्रमोट किया जाए ताकि वो एक्सीडेंट इंसिडेंट का हिस्सा ना बने और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके वो वर्कसाइट पर आए इसके बाद आ जाता है हेल्थ सर्विलेंस एंड हेल्थ स्क्रीनिंग जो भी हमारी वर्कफोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डस्ट वगैरह ज़्यादा है या नॉइज़ ज़्यादा जनरेट हो रहा है या वाइब्रेशन है तो वो लोग जो उस स्पेसिफिक एक्टिविटी या स्पेसिफिक इक्विपमेंट के साथ अटैच हैं या वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए हम हेल्थ स्क्रीनिंग हेल्थ स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम है वो डिवेल्प कर सकते हैं जिससे हमें अर्ली स्टेज पर उनकी साइड इफेक्ट या हेल्थ इफेक्ट का पता चल सके तो ये भी एक एक्टिव मॉनिटरिंग में आता है इसके बाद आता है रिस्क रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट क्या है इट्स मीन के हमारी वर्कसाइट पर जो वर्कर काम कर रहे हैं जो इक्विपमेंट यूज़ हो रही हैं जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में हमने जो पोटेंशियल काजेज़ होते हैं पोटेंशियल काजेज़ हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है ताकि हम उस पर जो एडिक्वेट कंट्रोल हैं वो अप्लाई कर कर सकें और इम्प्लीमेंट करवाएँ इसके बाद आ जाता है चेकिंग लीगल कम्पलाइंस लीगल कम्पलाइंस मीन के जो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को लेट्स सपोज मैं सऊदी अरमको की बात करता हूँ तो सऊदी आरमको में के जो भी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम करेंगे तो उनको फॉलो करना पड़ेगा किस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा एक तो शेड्यूल डी शेड्यूल डी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है शेड्यूल डी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसके बाद सऊदी अरम को सी सऊदी अरम को जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्रोग्राम होता है ये जो चीज़ें हैं सऊदी रमकों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं क्लाइंट की तरफ से उसके बाद फिर जो सऊदी गवर्नमेंट के लोकल लाज हैं वो भी हमें चेक करने पड़ते हैं इसके बाद हम बेंच मार्किंग करते हैं बेंच मार्किंग इन सेंस ये है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं लेट्स बोल एक स्टैंडर्ड हमें दिया गया है तो हम जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या अपने टारगेट्स हैं वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं जो ए, हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है किसी भी लीगल अथॉरिटी की तरफ से या किसी भी रेगुलेशन की तरफ से तो हमें वो फुलफिल कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड के साथ हम बेंच मार्क करते हैं और समटाइम क्या है किसी दूसरी कंपनी के साथ बेंच मार्क करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या उससे कम हो रही है तो ये बेंच मार्किंग ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको हैं ये सारी प्रोएक्टिव अप्रोच में आती है कि कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होने से पहले जो हम स्टेप लेते हैं ताकि हम अपनी वर्क प्लेस को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रख सकें इसके बाद गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है रिएक्टिव मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो ये जैसे कि इस रिएक्टिव मॉनिटरिंग नाम से भी जाहिर है कोई भी चीज़ होने से बाद जो हम एक्शन लेते हैं कोई भी इस, चीज़ हो जाती है लेट्स वो एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद जो हम चीज़ें करते हैं या जो आ, हम स्टेप लेते हैं वो क्या कहलाते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें मॉनिटर करके उनको बेटर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो आ, जो रिएक्ट्रंस ना हो कोई भी एक्सीडेंट इंसीडेंट जो एक आ, पहले हो चुका है उसकी बेस पर हम कंट्रोल में लें ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो इसमें क्या है फैटल्टीज एक्सीडेंट इंसीडेंट रेट्स वगैरह ये जो हम आ, स्टेटिक्स होते हैं ये चेक करते हैं कि आया कि एक्सीडेंट हमारे प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस मंथ में कितने एक्सीडेंट कितने इंसिडेंट हुए हैं तो आके हम उस पर फर्दर कंट्रोल में दें हमें ए, रूट का आइडेंटिफाई करना चाहिए रूट काज एनालिसिस करना चाहिए कि किस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से ये सारी चीज़ें हम करके इन चीज़ों से हम हेल्प लेते हैं एक्सीडेंट फेटल्टी इंसिडेंट रेट जो डेटा है यहाँ से हम हेल्प लेके हम क्या करते हैं फर्दर उसको कंट्रोल मेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो वर्क प्लेस है वो नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐसे एक्सीडेंट इंसिडेंट का हिस्सा ना बने इसके बाद क्या जाता है रिएक्टिव मोनिटरिंग में फिर क्या जाता है सिकनेस एंड एबसेंस रेट जो है सिकनेस मीन्स वर्कर जो हमारी वर्क साइट पर काम कर रहे हैं वो किस वजह से बीमार हो रहे हैं क्यों बीमार हो रहे हैं उसका रूट रूटकाज एनालिसिस हमें करना पड़ता है और उसके बाद एबसेंस वर्कर्स अगर एबसेंट हो रहे हैं जॉब साइट पर नहीं आ रहे या वर्क पर नहीं आ रहे तो वो उसका रीज़न क्या है किस वजह से तो आया कि उनको वर्कसाइट पे कोई इश्यूज़ हैं या उनको पेयर प्रेशर है या क्या इशू है ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है उन पर हमें वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम ताकि वो उसमें बैटरी ला सकें अभी इसके बाद क्या जाता है लीगल इन्फोर्समेंट एक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है अगर कोई भी हम वायलेशन करते हैं साइट पे या जो रूल्स है या रेगुलेशन है उसको ब्रीच करते हैं तो उस पर क्या होगा लीगल एक्शन होगा या इन्फोर्समेंट एक्शन होगा इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से तो उनका भी हमने चेक करना है कि वो कितने हैं और क्यों हुए हैं कोई भी अगर नॉन कंप्लाइंस हो जाती है तो हम उस पर फर्दर एक्शन लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो ना हो इसके बाद फिर क्या आ जाता है कमेंट्स फ्रॉम इंटरेस्टेड पार्टीज इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी होगी लेट्सम जो स्टेक होल्डर्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई उनके भी जो कमेंट्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है या उनकी तरफ से जो सजेशन होती है रिकमेंडेशन होती हैं वो भी हमने चेक करनी पड़ती हैं कि वो क्या मांग रहे हैं हमसे उनका जो डोमेन है वो क्या है तो उसको भी हमने चेक करना पड़े चेक करना पड़ता है कि हम आ, उनकी जो कमेंट्स हैं उनको फॉलो करें उसके बाद वर्कर कंप्लेंट्स वर्कर्स जो वर्क फोर्स है उसकी कंप्लेंट्स के उनका रेट क्या है कितनी कंप्लेंट्स हो रही हैं और किस एरिया में और किस वजह से हो रही हैं उसको भी हमने आइडेंटिफाई और उसको भी हमने सॉर्ट आउट करना पड़ता है अपनी वर्क साइट पर और उसके बाद आ जाता है स्टाफ टर्न अगर किसी भी कंपनी में ज़्यादातर लोग या वर्कर छोड़ के जा रहे हैं उस कंपनी से क्विट कर रहे हैं या उसको छोड़ के जा रहे हैं तो वो क्या रीज़न है उस रीज़न को हमें आइडेंटिफाई करना है रूट कॉज एनालिसिस बेसिकली क्या है एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर इवन सुपरवाइजर मैनेजर आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो हमने क्या करना है ये चीज़ें जो हैं इनको पॉजिटिवली लेना है रिएक्टिव होके रिएक्टिव हम कहते हैं जी आ, कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद लेकिन उसमें से हमने पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है रिएक्टिव को ताकि ये क्या है रिएक्टिव क्या है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन किससे हम करवा सकते हैं नेक्स्ट टाइम कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो यह भी हमें एक एंड्स देते हैं हमें एक ए, क्लू देते हैं कि हम इस पर काम करके इस ये जो रिएक्टिव है इसको प्रोएक्टिव में लेके आए ताकि हमारी वर्क साइट ज्यादा से ज्यादा सेफ से रहे तो गाइज ये थी ए, आज की वीडियो